आइए आज आपको बताते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित उमानंद मंदिर के बारे में। गुरुदेव मनीष साईं जी के अनुसार उमानंद मंदिर का महत्व। नमस्कार, मैं उमा आनंद। भगवान शिव और पार्वती जी का मंदिर है गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र के बीच, वहाँ उपस्थित हूँ। इस मंदिर का बहुत महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ यहाँ पर आनंद किया था, यहाँ पर ध्यान किया था और आनंद से अपना जीवन व्यतीत किया था। इस मंदिर का महत्व यह है कि जो भी व्यक्ति जीवन में निरसता महसूस कर रहा है, आनंद की अनुभूति उसके जीवन में कम हो रही है, यदि वहाँ यहाँ आकर दर्शन करता है तो उसके जीवन आनंद से सरोबार होगा। इस मंदिर का बहुत महत्व है। भगवान शिव के इस मंदिर में देश विदेश से भक्त आते हैं और यह मंदिर ब्रह्मपुत्र के बीच में एक आइलैंड पे बना हुआ है। यहाँ पर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साक्षात दर्शन भगवान शिव और पार्वती उमानंद मंदिर। कैसे से खुलने हैं कैसे? आइए जानते हैं मंदिर की महत्ता के बारे में मंदिर के पुजारी अशोक शर्मा जी से। हम यह उमानंद मंदिर का पुजारी है, अशोक शर्मा मेरा नाम। यह बाबा का नाम है उमानंद। उमा मतलब पार्वती, नंद है शिव, दोनों यह बैठ के आनंद किया है, सारी युग का बात अलाप किया है, इसीलिए बाबा का नाम है उमानंद। बाबा पहले से बैठा है, जब बाबा यह बैठा देखा है सारा गाँव वालों को, पड़ोसी वालों को बाबा को गंडा कर देगा, ब्रह्मा लोक ने बांट दिया, इसीलिए ब्रह्मा विशेष लिया जो हम ब्रह्मपुत्र होकर चला जाएगा, बाबा को बीच में रुका देगा, इसीलिए हिमालय से ब्रह्मपुत्र आया है, आके बाबा को बीच में रुका दिया और दोनों साइड होके चला गया ब्रह्मपुत्र, और पड़ोसी अलग हो ट्रांजेक्शन ना रहो ऐसे चलता रहता है। लेकिन यह मंदिर आने से मंदिर सबका भक्तों का मनोकामना पूर्ण होता है, बाबा को जो कामना लेके आता है हर समस्या वो समाधान होता है। यदि आप धर्म वास्तु एवं ज्योतिष संबंधित जानकारी चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।